नमस्ते, जय माँ ज्वालपा, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। चलो फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और अभी मैंने घर का सारा काम कर दिया है और टाइम हो रहा है 7 बज रही है। और ये मैंने मटका ला रखा है पानी के लिए, इसी का पानी पीते हैं। फ्रिज में नहीं रखते, कम से कम कोरोना से पहले से हम फ्रिज में पानी नहीं रखते, इसी का पीते हैं। मेरा मनी प्लांट है। चलो फिर नाश्ता बनाती हूँ। आज नाश्ते में कुछ स्पेशल बनाऊँगी मैं, तो चलो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि नाश्ते में क्या बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ये मैंने मंदिर में पूजा पाठ कर दिया है और आज मैंने मंदिर में अच्छे से फूलों से सजा रखा है। और मैं नहा धो गई हूँ, पूजा पाठ कर लिया है और सुबह की बज रही हैं 6:30। और मैं थोड़ा एक्सरसाइज करती हूँ, योगा करती हूँ और उसके बाद लंच बनाने की तैयारी करती हूँ। अभी तो स्टार्ट नहीं हुई। फ्रेंड्स, आज नाश्ते में बनाऊंगी मैं सूजी और बेसन और आटे के चीले, इसमें मिला रखा है मैंने शिमला मिर्च और प्याज, टमाटर और पनीर, तो इन और नमक मिर्च जो भी अपने स्वाद अनुसार। थोड़ी सी मैंने इसमें दूध भी डाला है, थोड़ा सा मैंने इसमें दही भी डाला है, तो दोनों का टेस्ट मिक्स करके तो मैं ये बनाऊँगी चीले। तो देखती हूँ कैसे बनते हैं। मेरे चीले बन रहे हैं और ये देखो जैसे भी बनेंगे ज़्यादा अच्छे नहीं बन रहे। फ्रेंड, ये है तवा, भी जल गया मेरा, नॉन स्टिक का है। देखो तेल से ना तेल चिपक गया उसमें, कोई नहीं, अभी एकदम से साफ हो जाएगा। अभी देखो इधर चाय भी बन रही है। ये बन गए हैं फ्रेंड्स, बहुत अच्छे बन रहे हैं और टेस्टी हैं। बेटा कह रहा है मम्मी बहुत अच्छे हो रहे हैं। बेटा तो 2 खा गया है। फ्रेंड्स, आज हम पौधों की सफाई कर रहे हैं, थोड़ा इनकी खुदाई करते हैं हम पौधों की। तो ये देखो अभी ऐसे हो रखे हैं, तो थोड़ा इनको ठीक ठाक करते हैं। ये सारे ना ऐसे हो रखे थे, आज बहुत सुंदर मौसम हो रखा है, तो इनको ना थोड़ा सा इनकी खुदाई कर देती हूँ मैं सारे अच्छे से वो करके। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और उग जाना ही। और आज मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं और ये यहाँ पे मनी प्लांट का पौधा लगा रखा है, तो उसको ऊपर टांग रहे हैं रस्सी में अच्छे से। देखिए इसको दीवार में रख देते हैं ऊपर, बड़ा हो गया। बहुत मेहनत करते हैं मेरे हस्बैंड पौधों की, सुबह शाम पानी डालना उनमें, एक चक्कर वो सुबह एक चक्कर शाम को ज़रूर आते हैं छत में देखने के लिए।
इन्हीं की मेहनत है ये। ये देखना सब जीने में इन्होंने कर रखे हैं ये पूरे। ये देख नीचे से लेके, पहले मुझे बहुत शौक़ तो मुझे अभी भी है, लेकिन मेरे पास काम ज़्यादा रहता है तो अब मेरे हस्बैंड करते हैं ये आधे से ज़्यादा काम पौधों का। तो आज हम पौधों की साफ़ सफाई कर रहे हैं और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। हमने बीज ला रखा है तोड़ी का। और बीज हमने बीज ला रखा है पौधों के, तो हम सब्जियों के हैं तो हम वो बोएंगे। और अभी मैं दिखाती हूँ आपको किस में बो रहे हैं हम। पिछली बार भी हमारे खूब करेले लगे थे, तोरी लगे थे, घिया का तो हुआ नहीं। और एक ये वाली बेल है, तो ये बेल ना हमारी, मैं इसका नाम भूल जाती हूँ, इसका नाम भूल जाती हूँ, ये था, ये हमारे मेन उसमें था छत के मेन गेट पे, लेकिन वहाँ पे मन प्राण का लगा दिया तो ये हमने यहाँ से लगा दिया है। और किसी पे पर्पल आते हैं फूल, किसी पे पिंक आते हैं, इसको हम ऊपर छत में भेजेंगे पौधे को। और फ्रेंड्स बीज ये हैं, ये है तोरी का और ये एक है करेले का और एक है घिया का। तो इनको बोते हैं हम, देखते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं। पिछली बार घिया का तो नहीं हुआ था, लेकिन तोरी और करेले के हो गए थे। पिछली बार हमने लेट में भी बोए थे, तो इस बार नहीं, उसके ऊपर मत चढ़ना। इस बार हमने सोचा कि जल्दी बोलें, रिजा पापा बुलाने। और मौसम भी बहुत अच्छा सुहावना हो रखा है, रात को बारिश हुई थी यहाँ पे, तो ये नीचे पार्क है, रात को बारिश हुई थी तो अच्छा हो रखा है मौसम। हमें बारिश का तो पता नहीं चला, लेकिन सुबह देखा तो सारा गीला हो रखी थी छत भी और नीचे भी, और बहुत अच्छी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अब मैं ये टमाटर की खेती भी उखाड़ रही हूँ और इसमें बो रही हूँ मैं करेले का बीज। तो मैं ये टमाटर के पौधे निकाल रही हूँ यहाँ से और इसमें बोते हैं हम कुछ करेला। इसके नीचे मिट्टी है, इसके नीचे लाल मिट्टी उखाड़ दी मैंने। ये देखना लास्ट के छोटे छोटे टमाटर, पिछली बार यहाँ पे इस वाले में प्याज और लहसुन भी बहुत अच्छी हुई थी। देखो अभी पिछली बार का प्याज भी है, ये हमने जब मकान बनाया था तो ये हुआ वो वाला सिंक है, दूसरा नया वाला लगाया था, ये पहले वाला था तो ये हमने हटा दिया है। ये तो बहुत अच्छी मिट्टी है, काली मिट्टी, इसमें इसमें खाद है देखना। और देखना इन्होंने गमला तोड़ दिया, अरे वो धूप में खराब हो गई थी बाल्टी इस चक्कर में। चलो कोई नहीं, इसको पूरा उठाना। फ्रेंड्स तो इसमें मैंने बो दिए हैं, एक साइड में मैंने बोए हैं करेले और एक साइड में मैंने बोए हैं तोरी। तो देखते हैं कितने दिन में ये पौधे पनपते हैं, कितने दिन में होते हैं, उसके बाद मैं दिखा दूं। और ये बीज मैंने बहुत दूर से मंगा रखा है, कहाँ से आ रखा है बीज? ये मुजफ्फरनगर से लाए हैं हमारे, वो मुजफ्फरनगर से मंगाया है इन्होंने अपने दोस्त से। तो पिछली बार भी उन्होंने ही दिया था, इस बार भी वही लेके आए हैं। तो चलो देखते हैं कब तक ये बीज पनपते हैं इसमें। फ्रेंड्स तो ये हैं घिया के बीज हैं ये, तो मैं इसमें बोऊंगी 5, क्योंकि कुछ जमते हैं कुछ नहीं जमते हैं, तो मैं इसमें 5 बो देती हूँ। और ये ऐसे खड़े में बोते हैं ना, ऐसे ऐसे में नहीं बोएंगे, खड़े में बोएंगे, ज़्यादा गहरे भी नहीं करने ये। और अभी इसमें ना पानी नहीं डालना, क्योंकि ना कल की बारिश आ रखी है तो मिट्टी गीली हो रखी थी। तो इसमें बोया है मैंने घिया, तो देखते हैं कितने घिये लगते हैं, कितने दिन में ये पौधे पनपते हैं। ये मेरे गुड़हल के पौधे हैं, देखो कितने बड़े बड़े हो गए हैं।
तुलसी तो बहुत हो रखी है चारों तरफ। इसमें भी मैंने पौधे बो रखे थे, फूल के हैं ये भी आ गए, मैंने ढक रखे हैं गिलहरी के चक्कर में। और यहाँ मैंने सब पौधे बो के गमले मैंने भी नीचे छुपा दिए। और इसमें छोटा सा ना संतरा का पौधा था, संतरा खाया था हमने, तो वो भी लगा दिया मैंने। इसमें भी सब में मैंने बीज बो रखे हैं, जब इनके पौधे आ जाएंगे तब निकालूंगी इनको। मेरा बन गया है दिन के लिए लंच, और इधर बना रखी है मैंने अरहर की दाल, जीरा और हींग का छोंक मार के। और इधर बना रखा है मैंने अपने लिए थोड़ा सा झुंगरू, ये हमारे पहाड़ी में पहाड़ी चावल है, इनको बोलते हैं झंगरियाल झंगरू, और देसी में इसको बोलते हैं समा के चावल, तो नवरात्रों में भी काम आता है। तो ये मैं बना रखे हैं थोड़े से, ये इसमें से भी थोड़े से बचेंगे। इसमें बना रखे हैं मैंने चावल, और इधर काट रखा है थोड़ा सा सैलेड। खीरा नहीं है आज, खीरा मैं सारा खा गई। चलो खाना खाते हैं हम लोग, आप लोग भी खाओ। फ्रेंड्स बहुत बाहर बहुत सुंदर मौसम हो रखा है, और बारिश लग गई है, और बहुत अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और बारिश भी अचानक ही आई। सुबह से तो मौसम हो रखा था बारिश का, कभी हल्की धूप आ रही थी, कभी बादल छा जा रहे थे, लेकिन अभी देखना 10 मिनट पहले इतनी तेज़ बारिश आई। पेड़ पौधे इतने सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सर? और सबको सुबह की राम राम। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, रात को बारिश आई थी तो मौसम इतना सुहाना हो रखा है कि बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है। और मई का महीना भी लग गया है, अभी तक देखो मौसम गर्मी, पंखे में ही हम दिन चला रहे हैं, तो काश ऐसे ही चलता रहे, मई भी ऐसे ही निकल जाए चुपचाप से, हल्की हल्की बारिश, हल्की हल्की गर्मी, ठंडा ठंडा मौसम। अभी भी बादल छा रखे हैं, और मौसम ऐसे हो रखा है कि बारिश आएगी, कभी भी आ सकती है बारिश, ऐसे हो रखा है मौसम। और बाहर घूम रही हूँ मैं छत में, तो इतनी ठंड लग रही है। और ये देखो मेरे कबूतर भी आ गए दाना खाने, तो उधरने जा रही मैं अभी, तब तक मैं अपनी ग्रीन टी पीती हूँ। ये मेरी ग्रीन टी है, ये मैं रोज़ पीती हूँ सुबह। सब दाना खा रहे हैं, आपस में लड़ भी रहे हैं। ये मेरी बॉइल सब्जी बन गई है, और इसमें है छिलके वाली मूंग, थोड़ी सी हरी मूंग, और हल्की सी स्वाद के लिए गोभी, और इसमें ज़्यादा है घिया। और आज मैंने चुकंदर नहीं डाला और गाजर भी नहीं डाला, क्योंकि ख़त्म हो गया था, तो ऐसे पानी वाला है ये, थोड़ा आज गाढ़ा बन गया। तो इसको मैं 3 टाइम इसी को खा रही हूँ, देखती हूँ मेरा वेट कितना कम होता है।